नंबर 10 पर जो क्लिप है वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 2013 में हुई एशेज सीरीज के चौथे मैच का, जहां जॉनसन बॉल फेंकने के लिए आते हैं लेकिन केविन पीटरसन साइड स्किन की वजह से क्रीज से दूर हट जाते हैं। इससे जॉनसन गुस्सा होकर बॉल थ्रो कर देते हैं और इसके बाद की गर्मा गर्मी मैदान पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी जॉनसन अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं, जहां वो बताते हैं कि इस मैच से पहले वार्म अप के दौरान पीटरसन बार बार जानबूझकर बॉल उनकी तरफ मार रहे थे। इसकी वजह से मैदान के बाहर भी उनके बीच झड़प हो चुकी थी एंड शायद वही गुस्सा मैदान पर भी देखने को मिल गया। ये वीडियो वर्ल्ड कप 2011 के पहले मैच का है, जहां विराट कोहली बांग्लादेशी खिलाड़ी जुबैर हुसैन को वर्बली अब्यूज कर देते हैं। ये ऑल्सो नो कि विराट कोहली अपने करियर की अर्ली एज में कितने एग्रेसिव थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच राइवलरी अंडर 19 से ही चल रही है, जो अक्सर मैदान पर देखने को भी मिल जाती है। ये इंसिडेंट जनवरी 2013 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुए T20 मैच का है, जहां ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी बॉल पर 4 रनों की जरूरत होती है। श्रीलंकन कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज फील्डिंग सेट करने में टाइम ले रहे थे, जिस पर मैक्सवेल एंड श्रीलंकन प्लेयर्स में खासुनी हो जाती है। बाद में मैक्सवेल ने ट्विटर पर इस इंसिडेंट पर श्रीलंका टीम से माफी भी मांगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अगस्त 2014 में हुए थर्ड T20 का है। श्रीलंका की बैटिंग के दौरान अहमद शहजाद और दिलशान में कहा सुनी हो जाती है एंड इवन शहजाद दिलशान को धक्का भी मार देते हैं। Cannot have a physical contact with the opponent. इस मैच के बाद का एक और सीन भी सामने आता है, जिसमें खिलाड़ी जब मैदान से बाहर जा रहे होते हैं तब अहमद शहजाद दिलशान को उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं, जो आप इस क्लिप में साफ तरीके से सुन भी सकते हैं। Rule, and I'll just explain to people why it is the Beckwith rule, why it is the Beckwith rule, why it is the Beckwith rule. And Sri Lanka winning by 7 wickets through the Beckwith Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Beckwith rule, why it is the Beckwith rule, why it is the Beckwith. ये इंसिडेंट 2017 में हुई कैरेबियन प्रीमियर लीग का है। पारी के 16वें ओवर में रकीम कॉर्नवॉल बैटिंग कर रहे थे, तब पोलार्ड की बॉल उनके पेट में जा लगती है, जिसके बाद रकीम पेन की वजह से 18 ओवर में 44 गेंदों पर 78 रन बनाकर रिटायर होकर जा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच पोलार्ड 6.5 फीट लंबे और 143 किलो वेट के रकीम कॉर्नवॉल को ना खेल पाने पर सुनान लग जाते हैं, जो इस क्लिप में साफ तौर पर देखा जा सकता है। That is not in keeping. I suppose the leading West Indian Rakeem Cornwall was at the center of this controversial incident in the Caribbean Premier League on Friday. And it's Pollard is letting him know that is not in keeping. ये क्लिप भी सेम मैच का है। मैच की सेकंड इनिंग का 47 ओवर शोएब अख्तर डाल रहे थे और क्रीज पर थे हरभजन सिंह। ओवर की दूसरी गेंद पर हरभजन सिंह शोएब को छक्का मार देते हैं। इसके बाद शोएब अख्तर जब मैच का 49वां ओवर लेकर आते हैं तो आखिरी दो गेंदों पर हरभजन सिंह क्रीज पर होते हैं और शोएब उनको दो बाउंसर्स डॉट निकाल देते हैं। इस पर दोनों ही खिलाड़ियों में कहासुनी हो जाती है। मैच काफी रोमांचक था। आखिरी दो गेंदों पर भारत को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत होती है, लेकिन हरभजन सिंह मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का मारकर भारत को जिता देते हैं। But have a look at this one. What a great finish. In the zone for Harbhajan Singh. The moment he stroked it, the hands went high up in the air. And what a strike.
Harbhajan Singh the hero, Harbhajan Singh the king. Fantastic pictures. What a game. That wasn't very nice, but... ये इंसिडेंट 2007 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुई इस वनडे सीरीज का है, जिसमें गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी आपस में भिड़ जाते हैं एंड लिटरली देसी में गाली गलौज करते हैं। धचका भी लगा, गौतम गंभीर जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे हैं, फिर उनसे आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हैं। आप नजर आ रही है जरूर, ये तो ट्रांसलेट आप ही करेंगे रवि, स्लिप रीडिंग आपको आती है? मैंने अगर ट्रांसलेट किया तो बहुत ज्यादा, हाँ, और शायद लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेंसरशिप की जरूरत होगी। मुझे भी समझ आ रही है, सुपर लीग का है जहाँ वहाँ रियाज अपनी बॉल पर अहमद शहजाद को क्लीन बोल्ड कर देते हैं एंड फिर इसके बाद का सीन को आप देख सकते हैं। So guys, ये थे वो 10 क्रिकेट के हाई वोल्टेज फाइट्स जिनमें खिलाड़ी मैदान पर भिड़ते हुए दिखाई दिए।